जो 10th क्लास की जो अच्छा है 4.3 है, उसमें वर्ड प्रॉब्लम चल रही है आपकी। उसमें 10th क्वेश्चन में देखिए, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। एक एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में घंटा कम लेती है, क्योंकि कारण क्या है आपका, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है बजाय पैसेंजर ट्रेन की, तो एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है। कह रहा अगर एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो, कितनी हो, 11 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो, जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन से कितनी है, पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी दोनों ट्रेनों की। देखिए, लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन को मान लीजिए एक्स किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखिएगा, अब स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी है, उससे उल्टा है, दो तरीके से कह सकते हैं, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की ज़्यादा है कितनी, 11 किलोमीटर पर आवर, तो हम कह सकते हैं कि पैसेंजर ट्रेन की कम है कितनी, 11 किलोमीटर पर आवर, तो एक्स माइनस 11 किलोमीटर पर आवर, सुना क्या, ऐसे बोल सकते हैं। अब क्या कह रहा है, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों सुनाएंगे, क्योंकि टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो 132 आपका डिस्टेंस है अपॉन एक्स माइनस 11 माइनस 132 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, 1 घंटे कम देती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, और पैसेंजर ट्रेन की क्या है स्पीड, एक्स माइनस 11 और एक्सप्रेस ट्रेन कितनी है, एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपको समझना है, केवल टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपकी कितनी है 132, तो 132 अपॉन पैसेंजर ट्रेन माइनस 132 अपॉन एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन उससे घंटे कितने लेती है, कम लेती है। अब हम दो काम करेंगे, यहाँ पर 132 को लेंगे एलसीएम, एलसीएम लिया तो बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 11 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 11, क्लियर। अब मैं 132 कॉमन लिया, अब 132 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, ये बचा तो उसमें हम लेंगे एलसीएम, क्या बचेंगे एलसीएम में, क्या होगा एक्स और एक्स माइनस 11, देखिए ध्यान से इक्वल टू 1, ये एक्स माइनस 11 से एक्स माइनस 11 डिवाइड हो गया, क्या बचा एक्स माइनस एक्स से एक्स निकल, क्या बचा एक्स माइनस 11, ठीक। अब उसको उधर पहुँचा देंगे 132 को, उसको ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 11 अपॉन एक्स का एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 11x इक्वल टू 1 अपॉन 132, क्या कर दिया मैंने 132 को उधर पहुंचा दिया और ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब प्लस के एक्स माइनस के कैंसिल हो गए, ऊपर बचा 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 1 अपॉन 132। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका 1 में करें तो ये एजिटिस रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 2 22 कैरी 2, 11 3 33 और 2 35 कैरी 3, 11 11 और 3 40, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0, क्लियर। अब हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, तो डायरेक्ट इसका 1452 के फैक्टर करेंगे जिनको माइनस करने से 11 आए। एक तरीका आपको मैं आपको बताता हूँ, आपको मन सोचता होगा आप कैसे करते डायरेक्ट, देखो आप तरीका क्या है, ये रहता है तरीका, आप इसका फैक्टर निकालो, 2 7 2 2 2 6 12, 2 6 3 36, अब देखें 3 से करेंगे, 3 1 3 3 2 6 3 1 3, अब 11 11 से 11 कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये आ रहा, हमें लाना कितना है, माइनस करके 11 लाना है, ध्यान से देखना, तो
2 2 4 और 4 11 44, ठीक। 2 2 4 4 11 और क्या होता है 3 11, 3 11 का कितना होता है 33, तो 44 माइनस 33, 44 माइनस 33 कितना होता है, 44 माइनस 33 कितना होता है 11, कितना होता है 11। तो ऐसे फैक्टर करते हैं, क्लियर। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 11 क्या लिखेंगे, 44 माइनस 33 बार एक्स माइनस 1452 इक्वल टू। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 44x माइनस के 33x माइनस 1452 इक्वल टू थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस 44x माइनस माइनस प्लस 33x। अब x कॉमन लिया तो x माइनस 44 बचा, प्लस 33 कॉमन लिया तो x माइनस 44 बचा इक्वल टू थ्री, एक्स माइनस 44 कॉमन लिया x माइनस 44 तो क्या था x प्लस 33, इसकल टू। अब x प्लस 33 इसकल टू जीरो, तो x इसकल टू माइनस के 33, आपको पता है ये नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो इसको क्या करते हैं इग्नोर, स्पीड इग्नोर कर दी क्योंकि ये माइनस में नहीं हो सकती। तो x माइनस 44 इसकल टू जीरो, तो x इसकल टू 44। अब x इसकल टू 44 आ गया तो जो स्पीड थी x प्लस 10 की, किसकी, x प्लस 10 की, स्पीड ऑफ x प्लस 10 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। और पैसेंजर ट्रेन की कितनी आएगी, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू, उससे 11 कम थी ये तो थी, तो क्या कहते हैं 44 माइनस 11 यानी 33 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। देखिए बच्चों ये एक्स है 4.3 का 11th क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये बर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, दो स्क्वायर हैं जिनके एरिया का सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है। फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, देखिए पहला सपोज करो मैंने स्क्वायर बनाया, इसकी साइड को x मान लिया, क्या मान लिया x, दूसरा मैंने स्क्वायर बनाया उसकी साइड को y मान लिया, क्या मान लिया y, दो स्क्वायर हैं, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू x मीटर, ठीक, द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू y। अब ध्यान देखना, आप जानते हो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा क्योंकि साइड x है तो x स्क्वायर, x साइड इंटू साइड, दूसरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा y इंटू y यानी y स्क्वायर, समझ में आ गया, चाहो तो आप लिख लीजिए एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा साइड क्या होता है, एरिया फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड यानी x इंटू x यानी x स्क्वायर, क्लियर, तो लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू बाई स्क्वायर, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ध्यान से देखिए बच्चों, सम ऑफ एरियाज, किसके एरियाज, टू स्क्वायर, टू दोनों स्क्वायर के एरिया का सम 468 है, दोनों एरिया कौन कौन से, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर, इनका क्या सम, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 468, क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर डाल दो, ठीक है। अब पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू एक्स यानी 4x मीटर,
ठीक, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर 4 × π, यानी 4 × π, 4 π। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, उन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है। ये पेरीमीटर है, इनका डिफरेंस 4x - 4π इज इक्वल टू 24। 4 का डिवाइड कर दीजिए तो x - π इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर। ये आपकी दो इक्वेशन आई, ये इक्वेशन आप सॉल्व की जाएंगे। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, x² + y² = 468 और x - y = 6। सेकंड में से वैल्यू पुट निकाल कर फर्स्ट में पुट करेंगे, फ्रॉम सेकंड, ध्यान से देखना, फ्रॉम सेकंड x = क्या हो जाएगा 6 + y, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। ये पुट करेंगे फर्स्ट में, पुटिंग x = 6 + y इन नंबर 1। देखिए x की जगह क्या लगेंगे, 6 + y² + y² = 468, क्लियर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 36 + b² + y² + 2ab (2 + 12 = 12π + y² = 468। क्या किया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया प्लस y² = 36, y² - 2y² ठीक, 2 + 2y + 36, इसको बदल लिया अपनी तरफ -468 = 0, 2y² + 12y बच्चों ये, अब 2y² + 12y, अब माइनस कर देंगे इसमें से, माइनस के ज़्यादा तो माइनस का बचेगा, 8 - 6 = 2 बचा, 6 - 3 - 3 बचा 4, 4 = 32 = 0। अब 2 का डिवाइड कर देंगे तो y² + 2 = 12y - 216 = 0। क्या किया हमने, 2 का डिवाइड कर दिया। अब 216 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको माइनस करने से 216 आए, अब 216 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने से 6 आए। अब बताया था मैं आपको तरीका, वही तो आपने 216 लिखा और फैक्टर करेंगे 18 + 12 = 216 और 18 - 12 - 6 बचेगा। देखिए y² + 6 की जगह क्या लगेंगे, 18 - 12 बाहर y - 216 = 0। ध्यान से देखिएगा y² + 18y - 12y - 216 = 0, क्या लेंगे कॉमन, y + 18 बचेगा, -12 कॉमन लेंगे, y + 18 कॉमन लेंगे तो y - 12 बचेगा इसकल टू। अब y - 12 आया, y + 18 आया तो y - 12 = 0, तो y = 12, क्लियर, और y + 18 = 0 तो y - -18। अब ये साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, जब नेगेटिव साइड नहीं हो सकती तो ये इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो इग्नोरिंग ले देंगे और y² = 12 लिख देना। अब y की वैल्यू 12 जो आएगी किस में पुट करें, थर्ड में, पुटिंग y² = 12 इन नंबर थर्ड, तो x = 6 + y कितना 12, कितना हो गया 18, x हमारे पास 18 आ गया, y हमारे पास 12 आ गया, तो हमने किस x किसको माना था, फर्स्ट स्क्वायर की साइड को, द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू x यानी 18 मीटर और द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 12 मीटर, क्लियर।